केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलाम वालेकुम। ये कल रात तकरीबन सुबह 4 बजे हमना ये इतला हुई, जो हमारे वार्ड प्रेसिडेंट एसडीपी के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के वार्ड प्रेसिडेंट रिजवान भाई की ये गाड़ी है, यहाँ पर 4 बजे कोई देख कर बुलाए ऐसा गाड़ी ऐसी जल लेकर हाय कर कर। जैसा ही हादिसा मालूम हुआ, इमिडिएट घर से निकल कर आए, तो असल में ये घर को लगाने की अंगार की कोशिश कर कर ही उन्होंने, जो कोई भी आकर नहीं, रिजवान के जान के जान उनके घर की फैमिली और बच्चों को और घर को सिलगाने के लिए आकर नहीं, वो घर का दरवाज़ा लोहा रहने की वजह से क्या करी, उन लोग ये गाड़ी को अंगार डाल कर गई। तो इसमें वाजे तौर पर मालूम होता कि हमारे वार्ड प्रेसिडेंट के जान के ऊपर इन्होंने डायरेक्ट हमला कर कर हैं। सियासत 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 की सरकार करना है, लेकिन सियासत छोड़कर जो जानों पर हमला, मालों पर जो हमला कर लेकर आ रही, एसडीपी इसकी कड़ी मजम्मत करती है। ये हादिसा करने पर ये इसके पीछे कौन इंगर कर बोले तो, इसे 6 तारीख को जो कांग्रेस की और एसडीपी की रैली के वक्त पर जो आमने सामना हुआ, वो आमने सामने के बाद एक पर्सनल ग्रिज रख लेकर ये हादिसा कर कर ही कर मैं समझता हूँ। ये पुलिस इंतजामिया को हमें लोग सुना कर ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी इसके पीछे कौन है, और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी इनके ऊपर कार्रवाई होना कर कर पुलिस डिपार्टमेंट को हम बताकर। नहीं, इसमें सीसीटीवी कैमरा आजू बाजू नहीं है, लेकिन देख ले कर कहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है कर कर, तो हमारे से ज़्यादा अगर पुलिस यहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेशन करी कर कर बोले तो, जो कांग्रेस के लीडर्स को गलियों में उनके काम ना करने की वजह से जो उनको उनकी मुखालिफत कर कर भेज ले कर रही, और या एरगनली हो या हमारे नॉन मुस्लिम एरियाज में हो या ये इलाके में हो, जो इनकी मुखालिफत कर रही हैं, आप 20-22 साल में कुछ नहीं करे, आप मोहल्ले में आकर कैसा वोट पूछ सकते हैं, आपको हक नहीं अगर कर जो बोल कर भेज रही, तो इन लोग एक प्लान कर कर हमारे वार्ड प्रेसिडेंट के ऊपर ही हमला कर करें। इससे पहले शांतिनगर के चौकी के पास हमारे स्टेट लीडर नूरुद्दीन मौलाना के ऊपर अंडा और पत्थर भिड़का कर ये लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग हमारे कैडर्स को डराने की धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, हमारे कैडर्स कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस के ऊपर हमना पूरा भरोसा है, ये लोग पुलिस वाले हमना सपोर्ट करेंगे, और इसके ऊपर इसके पीछे कौन करना है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलते कर मैं आपके माध्यम से। ये 6 तारीख का दिन जो हादिसा हुआ है, 6 तारीख को जो लोग उन्होंने वार्ड प्रेसिडेंट को और दीगर कैडर्स को जो धमकाई, तुमना देख लेती है मैं, तुमना ये कर लेती है, और बहुत सारे वीडियोस वायरल आप रैली में देख कर हैं, आप माध्यम के जरिए से भी आकर है, तो साफ निशाना उन्होंने लोग ये हादिसा कर कर हैं कर हमारा शक है, बेशक। देखो, कांग्रेस के पास अपने डेवलपमेंट का मुद्दा आवाम के पास ले लेकर जाने के वास्ते कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई भी डेवलपमेंट का मुद्दा उनके पास नहीं है। जो एसडीपी आवाम के पास जो खिदमत कर कर है, वो ले लेकर जाकर जो आवाम को पहुंच लेकर है, वो आवाम बेहतरीन हमना क्या कर रहे हैं, रेस्पॉन्स कर लेकर है, और कुछ बदलाव चाह लेकर है आवाम। नरसिम्हा राजा हल्के की तमाम आवाम एक बदलाव चाह रही है, जो तमाम तबके के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम दलित सिख ईसाई तमाम लोग हमना क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर लेकर हैं। ये सपोर्ट को देखते हुए ये शरपसंद लोग ये हरकत बार बार हमारे साथ कर लेकर आ रही। जो नूरुद्दीन मौलाना के ऊपर जो हुआ, हमारे वार्ड प्रेसिडेंट रिजवान के ऊपर जो घर के ऊपर इन्होंने डायरेक्ट करने की जानलेवा हमला करने की कोशिश कर करें, उन्होंने मजबूरी के तौर पर ये गाड़ी को सिलगा कर गए, वरना ये घर को अंगार डालने की इन्होंने पूरी कोशिश, दुकान और घर को अंगार डालने की पूरी कोशिश इन लोग चरपसंद लोग हैं। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल पोल देखो ऐसा होकर है, अल्लाह ना करे कुछ शॉर्ट सर्किट होता तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी। तो मैं माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कमिश्नर पुलिस सिटी कमिश्नर को, जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करें, रैपिड फोर पर आप इन्वेस्टिगेशन करें, इसके पीछे कौन है उनको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा देना कर कर मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। चाबी नहीं, गाड़ी जली ना वो रुकनी, घर के अंदर मेरे मासूम तीन बच्चे थे, उनको कुछ हो जाता तो मासूम बच्चे हैं मेरे तीन, अब एक मेरा बेटा, ये तीन मेरे मासूम बच्चे, ये गाड़ी का कहीं फर्क नहीं पड़ता मुझे। गाड़ी हमारे माँ बाप की दुआ की तरफ से अल्लाह हमने देखे, मेरे माँ और मेरे बाप की दुआ से, मेरे भाइयों की दुआ से, घर के कसरे के अंदर हमारे मामू की दुआ से अल्लाह ताला हमने दिया, गाड़ी एक नहीं दस आ जाएंगे, मगर ये मासूम बच्चे नहीं आते थे, अगर घर के ऊपर कुछ आइट लग जाती तो कुछ बच्चों को हो जाता तो मुझे वो फिक्र, मेरी जान की फिक्र नहीं।
हमें डरने वाला नहीं, काम को हम ना ठंडा करने के लिए वो बोले हैं, मगर इंशाल्लाह काम हम रखते नहीं, इंशाल्लाह आखिरी सांस तक मेरे काम को मैं जारी रखता हूँ। मैं कभी भी हर महीना नहीं, इंशाल्लाह मेरे माँ बाप मन जब इसे तरबियत दे के नहीं कि हर महीने के लिए इंशाल्लाह मैं ये काम को आज पुलिस को बोल के हूँ, वो अभी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बुला के हैं ताकि इंशाल्लाह पुलिस के लिए दर्ज करेंगे रिपोर्ट। और मैं गाजीदाना गुजारिश करता हूँ, इलेक्शन आता है जाता है, हम मोहल्ले के अंदर पूरे मोहल्ले मेरा नाम हो रिजवान है, मगर मुझे मासूम करके जानते हैं, मैं किसी के खिलाफ अब तक क्या भी बोल को नहीं, कसरे के अंदर हर एक सियासतदान के जोड़ में भी अच्छा रहता हूँ। वो क्या दावा करके हमारे घर के ऊपर इस हमला किया मुझे मालूम नहीं, मगर जो भी किया अल्लाह के वास्ते वो किसी के जोड़ में ऐसा नको करो कि वो तो बहुत मेहनत से लेना पड़ता है गाड़ी सब कुछ बहुत, ये जो भी किया है ये काम को रोकने के लिए नहीं, वो दूसरे के पार्टी में रहेंगे, हमारी पार्टी में जो भी नुकसान होता है इंशाल्लाह मैं अभी आगे बढ़ के काम करने के वास्ते रेडी है, पीछे कभी भी नहीं हटते। एसडीपी के वास्ते ऐसे 70 गाड़ियां कुर्बान, ऐसे कितने भी गाड़ियां कुर्बान कर देंगे, मगर ये गाड़ी के लिए कभी खाली फिक्र थी तो बच्चे की फिक्र थी, होता बच्चों को कुछ नुकसान हो जाता तो हमारे दिल में ये फिक्र थी। और मैं आज जाना गुजारिश करता हूँ ये जो भी है किसी अल्लाह के वास्ते और किसी के जोड़ में नको करो ऐसा।